सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। टाइटल और थंबनेल को तो आपने देख ही लिया होगा। एक्चुअली आज ही हॉस्पिटल में एक डिलीवरी हुई थी, जो फीमेल थी, मतलब कि जो पेशेंट था जिसकी डिलीवरी हुई है, उसके हस्बैंड ने बताया कि हमने एक यूट्यूब पर वीडियो देखी थी और उस वीडियो को देखकर हमें तो पहले ही पता लग गया था कि लड़का होगा। तो जब मैंने यूट्यूब पर वीडियोस को देखा तो गाइज मैं बिल्कुल हैरान रह गया। और आपने भी, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यूजली इस वीडियोस में होता क्या है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, जो प्लेसेंटा होता है, डायग्राम में आप देख रहे होंगे, जब बेबी पेट में होता है ना, जब यूट्रस के अंदर होता है, तो प्लेसेंटा होता है जो कि यूट्रस के वॉल के साथ चिपका होता है और वहाँ से कॉर्ड बेबी तक जाती है, ठीक है, एम्बिलिकल कॉर्ड, और वहीं से जो नरिशमेंट होता है जितना भी, वो बेबी को जाता है, ठीक है, जो यूट्रस की वॉल होती है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी प्लेसमेंट से लोगों को लगता है कि बेबी गर्ल होती है या फिर बेबी बॉय होता है। तो यूजली क्या होता है कि इंटीरियर और पोस्टीरियर पोजीशन लोग बताते हैं कि इंटीरियर होने पर लड़की होती है और पोस्टीरियर पोजीशन होने पर लड़का होता है। तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर प्लेसमेंट भी है इंटीरियर और जो पोस्टीरियर होती है। इंटीरियर का मतलब है कि जो प्लेसेंटा है वो जो यूट्रस की वॉल है फ्रंट वाली, उसके साथ चिपका हुआ है, और पोस्टीरियर में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो पोस्टीरियर वॉल के साथ चिपका होता है, ठीक है। और ये डिटरमाइन कर देती है और पहले ही बता देती है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। और गाइज अब मैं आपको देखिए रियलिटी बताता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही ये मिथ है, गलत धारणाएं लोगों ने बना दी हैं। अगर आप वीडियोस ऐसी देखें तो बिल्कुल भी आप इन पर बिलीव ना करें, लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि प्लेसेंटा की पोजीशनिंग का क्या मैटर है कि लड़का होता है या लड़की, ये तो भगवान की देन होती है कि आपको लड़का दे या फिर लड़की दे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्लेसेंटा की पोजीशन से आप पता कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं और मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि लोग ऐसी बकवास वीडियोस को देखते हैं और उन पर अपना टाइम, जो कीमती टाइम होता है, वो वेस्ट करते हैं। और मैं उनसे, उन लोगों से भी विनती करता हूँ और उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ ऐसी वीडियोस को मत बनाएं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करें, क्योंकि आपकी वीडियोस को देखकर लोगों को एक बारी तो हो ही जाता है कि उन्हें लड़का होगा, ठीक है, अगर उनकी जो पोजीशन है प्लेसेंटा की उसके मुताबिक अगर उन्हें लड़का होता है, और बाय चांस अगर लड़की हो जाती है तो बहुत ही बुरा महसूस होता है, ठीक है। तो प्लीज़ लोगों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करें और प्लीज़ ऐसी वीडियो को मत बनाएं। और मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसी वीडियोस को बिल्कुल भी ना देखें। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, और उन लोगों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना जिन्हें ऐसी भ्रांतियाँ वीडियोज़ द्वारा फैलाई जा रही हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और सिर्फ ऊपर वाले को ही पता होता है कि लड़का होगा या लड़की, लेकिन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से पता लग सकता है, लेकिन ये हमारे जो इंडिया है इसमें बैन हो चुका है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, लोगों की जो भावनाएं हैं उनसे खेला जा रहा है, जो कि बंद होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो गाइज़ ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ और टॉपिक्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज़ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।